लॉकडाउन के बाद प्रदेश सरकार द्वारा पीथमपुर में स्थित प्रतिभा सिंटेक्स लिमिटेड पहले दिन से ही पीपीई किट बनाने का ऑर्डर दे दिया गया था। कमाल की बात तो ये रही कि प्रतिभा कंपनी द्वारा कभी भी पीपीई किट नहीं बनाए गए। पहली बार राज्य सरकार के निर्देश में अपने पूरे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर को रातों रात अपने समस्त सहयोगियों को आवश्यक ट्रेनिंग देकर पीपीई मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर में तब्दील कर दिया गया। प्लांट्स के प्रोडक्ट को डीआरडीओ अनुभव हुआ, मानो ये प्लांट हमेशा से ही पीपीई किट बना रहा हो। मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पर करीबन 600 महिला और पुरुष सहयोगियों के साथ काम करते नजर आए। सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन किया जा रहा था। जिस दिन अपने प्रधानमंत्री महोदय ने इस चीज़ का डिक्लेयर किया था और कुछ पहले से भी आवाज़ हो रहा था कि जो पीपीई अब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बनने वाला है, क्योंकि ये जो डॉक्टरों की पूरी समाज है हमारी, उनको प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी बात है। तो हम लोगों ने रात भर में अपने जो हमारे स्टाफ हैं जो इस टीचिंग वर्क में लगते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दी रात भर बैठा के कि कैसे पीपीई बनाना है। और वो पीपी रात भर में बनाने के बाद इन लोगों ने अगले सुबह से पीपी बनाना शुरू किया। हम लोगों ने पहले दिन 1200 किट बनाए, लेकिन आज के डेट में अब करीबन 10,000 पे हम लोग पहुँच गए। और सर, जो सुरक्षा के हिसाब से किस तरीके की सुरक्षा यहाँ दी जा रही है, सैनिटाइजिंग किया जा रहा है? देखिए, हम 100% जो अपनी राज्य सरकार कह लीजिए या अपना सेंट्रल गवर्नमेंट कह लीजिए, जो उनके दिशा निर्देश है ना, 100% उसको फॉलो करते हैं। अमित त्रिवेदी, पीथमपुर की रिपोर्ट।